स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल में। सोचा कि बहुत सारे ग्रैंडलिक पे मैंने वीडियो बनाया है, जीएल पे वीडियोस बनाया है, तो सोचा कि आप अगर थोड़ा सा के लिए मिस हो रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा पुशअप दिया जाए और आपको अच्छे तरीके से इस बार इस वीडियो में क्लियर कट बताया जाए कि इसमें आपकी कौन सी गलती होती है और कौन कौन सी आप ट्रिक्स को भुना नहीं पाते हैं, अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ जो कि 100 क्रेडिट्स, पहली बात अभी मैं आपको बता दूँ, वीडियो के बीच में अभी अच्छे इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि 100 क्रेडिट जो रहता है, आप लोग सोचते हैं कि मैं इसे यूज करके ही मानूंगा, ये सही बात है कि नहीं? आप सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ये सोचते हैं कि नहीं कि मैं 100 क्रेडिट पूरा यूज करके ही टीम लगाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। तो अभी इस वीडियो में आप बस कंटिन्यू रहिएगा, इस वीडियो में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में जाते जाते समय अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार बस खाली कमेंट करके जाइएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रैंडली की तीन मैं चार बातें बताऊंगा जो कि आपको मतलब जीतने से रोकती है ग्रैंड लीग, और इस चार बातों को आप ध्यान से सुनेगा और इस पाँच मिनट का वीडियो को, बस इस पाँच मिनट का वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम यही उम्मीद करेंगे शायद आपकी लाइफ बदल जाए। और आपको मैं बता दूं कि जो कि ग्रैंड लीग या फिर जीएल और एसएल की जो टीम बेचते हैं उनसे आपको सतर्क रहना है, क्योंकि अगर आपको फ्री टीम चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, या फिर अभी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ले चलते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइज, हम लोग अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे हैं, इस पर आपको हर मैचेस की टीम जो कि टीम्स मैचेज वो खेलने लायक हो, वो मैचेज खेलने लायक हो, उसमें हम लोगों को विनिंग हो, उसका नॉलेज हो मेरे पास, तो मैं इसमें टीम ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग दोनों की टीम्स में डाल देता हूँ। और इसमें आपको अच्छी बात ये है कि मैं इसमें बताता हूँ कि कब लगाना है और कितना लगाना है, फाइनल टीम फाइनल इन्वेस्टमेंट हाई करना है या फिर कितना लगाना है, ये भी मैं अच्छे तरीके से डिटेल करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ जो अनुराग द्विवेदी, सोमेश ठाकरे, FCG, ये सब है जो प्राइम बेचते हैं, मतलब कि खुद तो जीत नहीं पाते हैं, और देखिए छः मैचेज में अगर एक मैचेज जीत गए तो डंका पीटने लगेंगे, और पाँच मैचेज हारे तो उसका कोई जवाब नहीं होता है इन लोगों के पास। इसलिए अगर आपको ग्रैंड लीग की टीम से भी फ्री चाहिए, आप कुछ एडिट करके इसमें आप अच्छे तरीके से मतलब विनिंग कर सकते हैं, तो आप छः ग्रैंड लीग की टीम्स के लिए आप लोग सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाए। और आपको बिल्कुल भी स्मॉल लीग की टीम बनानी नहीं आती तो आप सीधे अपने भाई के किंग फैंटेसी टिप्स आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आपको मिलेंगे, और उसमें आपको देखिएगा कि जिस पे आपको टेलीग्राम में जिस पे ये ऐसा ऐसा लिखा होगा उसी को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिखा होगा नो पे नो प्राइम इसी को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से ड्रीम इलेवन पर जाकर हम लोग अच्छे तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो बस आप लोग बने रहिएगा, उम्मीद करेंगे कि आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए अभी कुछ 5-6 मैचेज हैं जो कि मतलब टाटा IPL 2022 के बचे हुए हैं, अगर चाहे तो आप इसमें भी अच्छी से विनिंग करके करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, इस वीडियो को इस बात को समझना पड़ेगा। वीडियो को छोड़िए, लाइक डिसलाइक कुछ भी कीजिए, लेकिन इस बात को समझिए। देखिए सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी मछली आप लोग यहाँ पे फंस जाते हैं ड्रीम इलेवन के लिए, कि जो ड्रीम इलेवन क्रेडिट देता है, ड्रीम इलेवन का ये स्कैम है जो कि ये क्रेडिट देता है, क्रेडिट देने का मतलब ये है यहाँ पे, इसका में रूल रेगुलेशन है। इस यहाँ पे देखिए 100 क्रेडिट देता है, तो आप लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे टीम्स क्रिएट करेंगे कि जो कि पूरा एकदम 100 क्रेडिट यूज हो जाए। देखिए 100 पूरा मतलब आप सोचते हैं कि मैं इसे जीरो ही करके मानूंगा तभी मैं ग्रैंड लीग जीत सकता हूं, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। और दूसरी बात आपको मैं दूसरी बात बता दूं कि हर टीम के अंदर आपको हर टीम के अंदर आप 5-6 ग्रैंड लीग जो भी जितने भी टीम से खेलते हैं हर टीम के अंदर 4 से 5 ऐसे 40% के नीचे वाले खिलाड़ी ज़रूर होने चाहिए, और अभी हम आपको बताएंगे कि वो कैसे किए जाते हैं। तो चलिए अभी उससे पहले एक और बात आपको मैं बता दूं। देखिए आपको अगर आप 49 रुपये लगाते हैं तो आप 49 रुपये इस लिहाज से ना ऐड करें कि हाँ मैं इस 49 रुपये को जब डालूंगा तो उधर से मेरा पैसा जितना लगाऊंगा उतना रिटर्न होगा या फिर 100 रुपये आएगा, तो इस हिसाब से मत लगेगा। आप ये सोचिएगा कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा मतलब कि आप समझ सकते हैं वो पैसा मतलब कि ख़त्म समझिए कि वो पैसा हार ही गए, क्योंकि रिस्क लीजिए रिटर्न मिलेगा।
रिस्क लीजिए रिवार्ड मिलेगा ड्रीम इलेवन का, यही बात है कि गेट मोर रिस्क गेट मोर विन। तो रिस्क लीजिए रिवार्ड मिलेगा, तो इस पे ये समझेगा कि जो हम 49 रुपये लगा रहे हैं वो समझिए कि हार गए। अगर आप 49 रुपये लगाते हैं तो ये समझिए कि हम विनिंग जोन से बाहर हैं या फिर टॉप पे हैं, आप ये समझ के ही खेलेगा। और उसके बाद आपको एक और बात बता दूँ कि आपको चौथी बात के कौन से कौन कौन बड़े प्लेयर को आपको यहाँ पे मिस आउट करके चलना है, किस कौन कौन से बड़े प्लेयर को यहाँ पे छोड़कर चलना है, ये भी ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको चलिए हम सबसे पहले जो आपको मैंने बताया कि 40% के नीचे वाले खिलाड़ी हैं वो कैसे कैसे लोगों को हम लोग पिक करें, किनको किनको पिक करें, जो कि आपको अभी अच्छे तरीके से डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए सबसे पहले हम आपको उसी के बारे में डिटेल देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं देखिए मयंक अग्रवाल ने पिछले मैचेज में आपको कोई भी लीग चल रहा हो, वो भले ही वो IPL PSL वर्ल्ड कप एनीथिंग कोई भी चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे देखिए मयंक अग्रवाल पिछले मैच में नहीं चले, जो 10 से 20 रन नहीं बनाए, लेकिन यहाँ पे मयंक अग्रवाल को हम लोग पिक करेंगे तो अगर वो तीन या चार नंबर पे आते हैं तो वो आपके लिए बेहद ही शानदार बैटिंग कर सकते हैं। जहाँ हम लोग एक बंदे को यहाँ से पिक करेंगे और फिर इसके बाद देखिए के श्रीकर भरत, जो कि आपको मैं हर मैचेस की एग्जांपल बता रहा हूँ, आप किसी भी मैच पे इस बात को मतलब रख सकते हैं। देखिए के श्रीकर भरत ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट्स नहीं दिया, जो कि दो मैचेज में एक मैचेज में इनको ओपनिंग उतारा गया था जो कि नहीं चले, और अगर इस मैच को खेलते हैं और अगर इनको ओपनिंग उतारा जाता है तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगी, लेकिन ये नहीं खेलेंगे। आपको फिर मैं दूसरे की ओर चलता हूँ और दूसरे में यहाँ से आपको 40% के नीचे की ओर हम लोग चलेंगे और बॉलर की ओर चलेंगे। बॉलर में यहाँ पे देख सकते हैं शार्दुल ठाकुर ने पिछले मैच में सिर्फ एक ही विकेट से निकाला था, इसलिए इनका जो पॉइंट सिलेक्शन परसेंटेज है वो 31 है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं क्योंकि ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, तो शार्दुल ठाकुर को आप पिक कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो अर्शदीप सिंह वेरी 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 टैलेंटेड बॉलर इन डेथ ओवर्स, इन्होंने पिछले मैच में लास्ट मैच में शायद विकेट ही नहीं लिया था, आप इनको पिक कीजिएगा तो समझिए बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर आप इतना ज़्यादा इतना बड़ा रिवार्ड पाइएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप इनको पिक कीजिएगा तो कितना बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा, जो कि 4 ओवर टोटल के टोटल डालते हैं, 2 ओवर पावर प्ले में और 2 ओवर आप समझ सकते हैं कहाँ पे डेथ ओवर में, और डेथ ओवर इनका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये चेज करते हुए डेथ ओवर डिफेंड करते हुए डेथ ओवर को अगर ये डालेंगे तो 2 से 3 विकेट्स पिक कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही लोगों को ऐड कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको मैं 40% के नीचे में एक बार और, जो कि चेतन सकरिया, इन्होंने 3 मैचेज में 6 विकेट लास्ट में निकाले हैं। आप किसी भी बल्लेबाज को ऐड कर ले, मतलब कि किसी भी बंदे को ऐड कर लेना, ऐसे ऐसे किसी भी लीग पे एक ट्रिक ट्राई करना। देखिए चेतन सकरिया ने 6 विकेट्स निकाले हैं, तो यहाँ पे इनको आपको चेतन सकरिया को पिक कर लेना है। यहाँ पे 4 विकेट निकाले हैं, तो इनको आपको पिक कर लेना है, जो कि लास्ट मैच सिर्फ विकेट लेस हुए हैं और 2 मैचेज में 2-2 विकेट्स लिए हैं और लास्ट मैच में इन्होंने विकेट्स नहीं लिया, तो आपको इनको पिक कर जाना है। जो कि चेतन सकरिया अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बैट्समैन में चले आना, और बैट्समैन आपको यहाँ से आप देख सकते हैं इनका जो कि सिलेक्शन परसेंटेज 10 है और ये आज खेलने वाले हैं, तो जब खेलेंगे तब इनको लोग चुनेंगे, लेकिन अभी से मैं आपको बता दूं कि इनको आपको पिक करना है। अगर ये नहीं खेलते हैं तो आपको इनको पिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 5 लोगों को, ऐसे लोगों को पिक करना है जो कि मतलब कि 40% के नीचे उनका सिलेक्शन परसेंटेज हो। अब यहाँ पे बात आती है कि किनको छोड़ कर जाना है, जिनको हम लोग छोड़ कर जाएंगे जो कि अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये उस मैच में नहीं करने वाले। एक है जो कि इस IPL में KL राहुल हैं और एक बटलर हैं, जो कि अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और करते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब कुछ कुछ मैचेज में भले ही फ्लॉप हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन ऐसा परफॉर्मर है जो कि परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इतने में आप ये कौन किस पे रिस्क लाना चाहिए, वो बॉलर्स हो या बैट्समैन हो, कोई पे कगिसर अबादा, जो कि आजकल लास्ट मैच में इन्होंने 4 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं। अगर हम लोग इस पे रिस्क लेंगे और इन दोनों पे रिस्क लेंगे तो क्या हमारा हल नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये दोनों लास्ट मैच में विकेट्स लेके आ रहे हैं और ये जो विकेट है ये स्पिनर्स के लिए है तो और भी स्पिनर्स हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को नहीं इनको बस छोड़ कर जा सकते हैं कगिसो रबादा को। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आपको स्पिनर्स को
टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनको पिक करके जा सकते हैं, अक्षर पटेल को। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ से मिचेल मार्श, मिचेल मार्श लगातार कंसिस्टेंटली अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको आप लोग छोड़ कर जा सकते हैं। और अब बात रही जहाँ तक कि कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको मैं बता दूँ, देखिए सबसे पहले आपको टीम्स क्रिएट कर लेना है, और जैसे ही आप लोग टीम्स क्रिएट करोगे फिर उसके बाद आपको, मैं अभी सबसे पहले आपको टीम्स क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे ही आप टीम्स क्रिएट करोगे उसमें आपको पॉइंट्स पे क्लिक कर देना है, एक बार पॉइंट्स पे जाना है। इसमें वाइस कैप्टन का ज़्यादा पॉइंट्स ज़्यादा परसेंटेज, तो कैप्टन और पॉइंट्स पे मैंने क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पे पृथ्वी शॉ को यहाँ पे वाइस कैप्टन, एक नीचे से जो कि बेहतरीन बैट्समैन को ऐड कर लेना है, या फिर एक ऊपर से, तो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन हो गया। और ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, ना कि आप देखिए जब तक आप खुद से नहीं टीम्स बनाइएगा तब तक आप नहीं जीत पाइएगा। तो सो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 7070634680 पर, या फिर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पे जाइए मैसेज कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर लविंग सपोर्टिंग, लव यू ऑल।